عاملين مكاني ده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما اعطيت وما قضيت، فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم لا يعيس من عاديت من واليت، ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعالى. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم الف بين قلوبهم. اللهم اسل ذات بينهم. اللهم اهدهم سبل السلام. اللهم ثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتهم على سبيلك. اللهم يذب الكفرة الذين يسلك ويقاتلون أولياءك. فرق جمعهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم قالب بين كلمتهم. लोग लेने वाले हैं स्टार्ट बोलो जी स्टार्ट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। 6 दिसंबर हिंदुस्तान की तारीख में एक सियाह तरीन दिन है। इस दिन बाबरी मस्जिद को हिंदू दहशतगर्दों ने हुकूमत अदलिया इंतजामिया की निगरानी में शहीद कर दिया था। हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई बाबरी मस्जिद की शहादत है। मुसलमानों पर सबसे बड़ा जुल्म और मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी बाबरी मस्जिद की ज़मीन को राम मंदिर के हवाले कर देना है। इस बड़ी नाइंसाफी जुल्म और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपने गम व गुस्से का इजहार करने, बाबरी मस्जिद के खातिलों और मुजरिमों के हक में बददुआएं करने, बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से 30 साल के दौरान हम मुसलमानों से जो गफलत लापरवाही कोताही सरजद हो रही है, इसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में माफ़ी तलब करने और इस बात के ऐलान के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं कि बाबरी मस्जिद से हम किसी तौर दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हैं। बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की जिद्दोजहद हम जारी रखेंगे उस वक्त तक जब तक के बाबरी मस्जिद दोबारा उसके असल मुकाम पर तामीर नहीं हो जाती। हम ये जज्बा अपनी नई नस्ल में मुंतकिल करते रहेंगे। हम उन्हें बाबरी मस्जिद की तामीर नो और उसकी बाजियाबी के लिए तैयार करते रहेंगे। यही हमारा ऐलान है इस मौके पर। मैं खुसूसन मुसलमान अपना यह मौकफ आप तमाम के सामने पूरे मुल्क के सामने वाज़े तौर पर दोहरा देना चाहती हूँ कि मस्जिदें अल्लाह की मिल्कियत होती हैं। وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا। यहाँ हम किसी तौर किसी मस्जिद से भी दस्तबरदार नहीं हो सकते। तागूती अदालतों का
चाहे जो फैसला भी हमारे सामने आया है, लेकिन हम बाबरी मस्जिद की एक इंच जमीन से भी दस्तबरदार नहीं हो सकते। बाबरी मस्जिद पर हमारा दावा जू का तू बरकरार रहेगा, इसलिए कि शरीयत का ये कानून है कि एक दफा जिस जगह मस्जिद बन जाती है वो जगह फर्श से लेकर अर्श तक मस्जिद ही करार पाती है, चाहे उसके दरो दीवार सलामत हो या ना हो। शरीयत के इस कानून की रूह से बाबरी मस्जिद कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। उसको काफिरों और जालिमों के कब्जे से आज़ाद कराना, उसकी बाजियाबी की कोशिश करना, उसकी तामीर नौ करना और उसे अपने सस्तों से सजाना और आबाद करना हम मुसलमानों की शरई जिम्मेदारी है। मैं इस मौके पर तमाम मुसलमानों को भी ये पैगाम देना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद का मसला सिर्फ एक मस्जिद का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे मुल्क के मुसलमानों के दीन और ईमान का मसला है। ये हमारी इज्जत और जिल्लत का मसला है। ये आज़ादी के बाद से अब तक वीरान की गई और शहीद की गई तमाम मसाजिद की बाजियाबी और उसकी तामीर नौ का मसला है। ये हिंदुस्तान में हमारे दीगर शायर इबादत गाहों और इदारों के तहफ्फुज़ और बका का मसला है। ये काशी और मथुरा की मस्जिदों समेत उन 3000 मसाजिद के तहफ्फुज़ का मसला है जिन पर आज संघ परिवार का दावा है। अगर आज हम बाबरी मस्जिद के मसले को छोड़ने की हिमाकत करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इस हिंदुस्तान में हम मुसलमान बनकर जिंदा नहीं रह सकेंगे, इसलिए कि जो कौम अपने इबादत गाहों की तहफ्फुज़ नहीं कर सकती, अपने इबादत गाहों की ताज़ीम नहीं कर सकती, उस कौम को जिंदा रहने का कोई हक नहीं मिलता। मैं यहाँ खुसूसन मुस्लिम नौजवानों से मैं बाबरी मस्जिद का मसला सिर्फ एक मस्जिद का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे मुल्क के मुसलमानों के दीन और ईमान का मसला है। ये हमारी इज्जत और जिल्लत का मसला है। ये आज़ादी के बाद से अब तक वीरान की गई और शहीद की गई तमाम मसाजिद की बाजियाबी और उसकी तामीर नौ का मसला है। ये हिंदुस्तान में हमारे दीगर शायर इबादत गाहों और इदारों के तहफ्फुज़ और बका का मसला है। ये काशी और मथुरा की मस्जिदों समेत उन 3000 मसाजिद के तहफ्फुज़ का मसला है जिन पर आज संघ परिवार का दावा है। अगर आज हम बाबरी मस्जिद के मसले को छोड़ने की हिमाकत करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इस हिंदुस्तान में हम मुसलमान बनकर जिंदा नहीं रह सकेंगे, इसलिए कि जो कौम अपने इबादत गाहों की तहफ्फुज़ नहीं कर सकती, अपने इबादत गाहों की ताज़ीम नहीं कर सकती, उस कौम को जिंदा रहने का कोई हक नहीं मिलता। मैं यहाँ खुसूसन मुस्लिम नौजवानों से ये गुजारिश करती हूँ, ये अपील करती हूँ कि आप बाबरी मस्जिद की जिद्दोजहद को अपना मकसद बना लीजिए, आप बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की जिद्दोजहद को अपना मकसद बना लीजिए, अपने साबिका बुजदिली, गफलत, लापरवाही और कोताहियों से बाज आ जाइए, आप बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए कमर कस लीजिए और आप इस बात का अज़्म कर लीजिए कि हम बाबरी मस्जिद को ज़रूर उसके असल मुकाम पर तामीर करके रहेंगे। इसी के साथ मैं आम मुसलमानों से भी ये अपील करती हूँ कि कल 6 दिसंबर को आप योम सिया के तौर पर मनाएं, आप अपने इदारे कारोबार और दुकानें बंद रखें, अब आप अपने घरों महलों और चौराहों पर सिया झंडियाँ लहराएं, अपने बाजुओं पर सिया पट्टियाँ बांधें, अपने गम और गुस्से का इस तरह इजहार कीजिए और अपने इस अज़्म का भी इजहार कीजिए, ऐलान कीजिए कि बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की जिद्दोजहद जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक कि बाबरी मस्जिद दोबारा अपने असल मुकाम पर तामीर नहीं हो जाती। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें क़ुव्वत दे, ताकत दे, हिम्मत दे कि हम सारी वीरान शुदा मस्जिदों को आबाद कर सकें, शहीद मसाजिद का तहफ्फुज़ कर सकें, उसको बाजियाब करा सकें और उसकी तामीर नो कर सकें और अपने दीगर इबादत गाहों काशी और मथुरा की मसाजिदों और उन 3000 मसाजिद का तहफ्फुज़ कर सकें जिन पर आज संघ परिवार का दावा है।
आमीन। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।